एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सपना मास्टर आयल्स। एक और वीडियो 40/40 लाने की आयल्स लिसनिंग में कैसे आ सकते हैं आपके 40 मार्क्स मतलब 9 बैंड्स आने का क्या सलूशन है। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द मास्टर ट्रिक टू गेट 40 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, कैसे कर सकते हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। जब हमारा लिसनिंग का स्कोर बढ़ता है ना गाइज, तो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द टू मॉड्यूल्स बाय विच यू कैन स्कोर, ओवरऑल स्कोर जो है उसको आप बेटर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपका प्रोसीजिंग जो प्रोसेसिंग है वो भी ईजी हो जाएगी बाय डूइंग दिस। सो वॉट आर द टिप्स, वॉट आर द स्ट्रैटेजीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव फोकस इन योर लिसनिंग टेस्ट? Do you concentrate well in your listening? अगर आपने questions के ऊपर focus अच्छे से किया है, means question 1, 2, 3 and 4. Now if you have full focus on first two questions, आपको हमेशा दो questions इकट्ठे लेके चलना है। If you have full concentration on these two questions first and you know that what is the type of question जो पूछा गया है, so obviously आपके scores कभी गलत नहीं होंगे, आपके answers कभी गलत नहीं होंगे, and on the basis of that you can score well. Moving on to the next thing, that is if you are aware of this part 1 and part 3, part 1 में भी हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास रहते हैं ब्लैंक्स, एंड पार्ट 4 में भी हमारे पास रहते हैं ब्लैंक्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप पार्ट 1 पहले करके देखें। दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वर्सेशन मतलब डायलॉग चलता है। डायलॉग मींस वी कैन टॉक, टू पीपल कैन टॉक, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2 एंड हियर मोनोलॉग कम्स, यहाँ पे मोनोलॉग आ जाता है। कमिंग टू पार्ट 3, अगेन हमारे पास कन्वर्सेशन चलती है, एंड पार्ट 4 विल बी अगेन अ लॉन्ग स्पीच दैट इज अ मोनोलॉग अगेन। तो आपको प्रैक्टिस करनी है फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर वो रिपीट कर रहे हैं, सो इफ दे आर रिपीटिंग एनीथिंग, इफ दे आर राइटिंग, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेलिंग्स, दैट कुड बी द आंसर। लिसन टू द स्पीच केयरफुली, अगर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इन योर मदर टंग, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग। एंड वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज कुछ लोगों को प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आती है, एंड दैट इज व्हाई दे लैग बिहाइंड। वो इतना फास्ट हो जाता है दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या वर्ड यहाँ पे बोला था। सो इसलिए आपको ध्यान रखना है वट काइंड ऑफ वर्ड दे आर यूजिंग, एंड दीज वर्ड्स आर रिपीटेड इन अदर लिसनिंग्स ऑल्सो। सो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सो दैट यू कैन यूज इन अदर लिसनिंग्स एज वेल। मूविंग ऑन टू कि प्रैक्टिस कैसे करें, मेन थिंग है प्रैक्टिस करोगे तभी बैंड्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। सो फर्स्ट वीक के लिए आपको ध्यान रखना है दैट यू हैव टू जस्ट वर्क विद सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जस्ट गेट द क्लैरिटी सेक्शन 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एज आई सेड, टेबल कंप्लीशन आ सकता है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आ सकता है, इट मींस देयर कैन बी एन इंटरव्यू, देयर कैन बी अ पेपर कंप्लीशन, राइट, अ काइंड ऑफ वेयर टू पीपल आर टॉकिंग एंड दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। सो बेसिकली ये होता है ब्लैंक्स के फॉर्म में। सो इसकी इंस्ट्रक्शंस आपको पता होनी चाहिए। ब्लैंक्स का अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ, पार्ट्स ऑफ द स्पीच आएगा, इसको कैसे करना है। एंड नेक्स्ट वीक जब आपका एक वीक में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, मींस ब्लैंक्स एंड शॉर्ट एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाते हैं, एंड यू गेट मैक्सिमम बैंड्स इन इट, देन यू विल गो टू सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में यू ट्राई द फुल टेस्ट मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड सी द डिफरेंस इन यू। If you have not watched my video that is about LRL technique, तो ये ज़रूर देखें, listening के playlist में already provided है LRL technique. What is that technique? Listen, read and then listen. So ये technique के बारे में आप वहाँ पे ज़रूर देखें, this website, this reading प्लेलिस्ट में ये है, लिसनिंग के प्लेलिस्ट में इसको ज़रूर चेक करें, राइट, रीडिंग कैसे करना है, लिसन कैसे करना है, एंड हाउ टू राइट, हाउ टू लिसन टू इट अगेन।
एंड वॉट इज द डिफरेंस. आप में डिफरेंस आएगा स्पेशली आफ्टर दिस टेक्निक, आफ्टर यूजिंग दिस टेक्निक. डू यू नो, जैसे मैंने बोला कि ब्लैंक्स आते हैं, सो डू यू नो वॉट इज अ नाउन, डू यू नो वॉट इज अ वर्ब, डू यू नो वॉट इज एडजेक्टिव. अगर आपको ब्लैंक्स करने हैं, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. ब्लैंक से पहले वाला वर्ड क्या है, उसके बेसिस पे वी कैन जज द नेक्स्ट वर्ड. एंड यू कैन ऑलरेडी, आप इसको पहले से ही इन प्रायर आप पहले से ही सोच के चलेंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस और दिस टाइप ऑफ आंसर कैन कम इन दिस. वहाँ पे नाउन आएगा, वहाँ पे वर्ब आएगा, कि वहाँ पे एडजेक्टिव आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली आपको समझ में आएगा. सो आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. नेक्स्ट वन इज मार्किंग द कीवर्ड्स. डू यू नो हाउ टू मार्क द कीवर्ड्स? एज आई सेड, ब्लैंक्स में भी मुझे ब्लैंक के पहले वाला वर्ड मार्क कर लीजिए, ब्लैंक के बाद वाला वर्ड मार्क कर लीजिए. यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आंसर क्या है. सिमिलरली MCQs में और मैप में क्या मार्क करना चाहिए, फॉर दिस यू कैन गेट अनदर वीडियो विच इज कि मैप कैसे करते हैं, उसकी वोकैबुलरी क्या है, एंड हाउ टू डू द MCQs, मतलब सिलेक्शन ऑफ लेटर्स कैसे करते हैं, कौन कौन से कीवर्ड को मार्क करना चाहिए. ज़्यादातर कीवर्ड्स में हम मार्क करते हैं प्रॉपर नाउन्स, या फिर हम मार्क करते हैं वर्ब्स को, कंडीशनल्स को, सो दैट वी गेट एन आइडिया लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम एंड दिस इज टू बी आंसर्ड. यू कैन ऑल्सो जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग, हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें नाउन्स कौन से हैं, उसमें कीवर्ड्स कौन कौन से मार्क किए हैं, एंड दोज कीवर्ड्स विद द सिनोनिम्स विल बी स्पोकन. वो वही बोल रहे होंगे. सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास ब्लैंक्स रहते हैं, हमारे पास सिलेक्शन ऑफ लेटर्स रहते हैं, MCQs रहते हैं, मैप भी रहते हैं. सो बेसिकली मेरे ये दो क्वेश्चंस जो हैं, ब्लैंक्स एंड सिलेक्शन ऑफ लेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू मार्क, हाउ टू सॉल्व, इसको कैसे करना चाहिए, दिस इज जस्ट ऑन योर ग्रामर पार्ट. ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से तरीके हैं. अगर आपने ये सारे के सारे तरीके यूज कर लिए, इफ़ यू गेट ऑल द वेज, देन 40/40 इज डेफिनेट एश्योर्ड बैंड है, जैसे कि हमारे आ चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स के भी आ चुके हैं. आई वॉन्ट द सेम फ्रॉम यू गाइज. सो सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर डिटेल्स, फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस. एंड इफ यू हैव लाइक इट, प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, सो दैट यू कैन गेट ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू द थिंग, रिलेटेड टू योर प्रेपरेशन. All the best guys. See you soon in my next video.